students, we will study about the chapter of social studies, that is geography, chapter number 3, ingredients of modern industry. So let's start the remaining paragraph. Non-conventional sources of energy, yani urja ke gair paramparik srot. Non-conventional sources of energy are the renewable sources of energy produced from the sources of sun, wind, water, tides, etc. The increased consumption of fossil fuels has resulted in rapidly depletion of these resources. Burning of fossil fuels has created a large scale of pollution. With the rising demands for oil, their availability in the near future is also bleak. Hence, the alternative sources of energy and renewable sources of energy should be promoted of supplement and the scarcity of conventional sources of energy. अब यहाँ पर जो गैर पारंपरिक स्रोत होते हैं ऊर्जा के, ये हम नवनिकृत सोर्सेज अनवनिकृत सोर्स होते हैं जो कि हमें बहुत ईजिली नहीं मिलते हैं और ये प्रोड्यूस होते हैं जैसे यानी नवनिकृत सोर्सेज होते हैं ये ऊर्जा के जो हमें प्रदान हो जाते हैं और ये सोर्सेज जो होते हैं ये सूरज विंड वाटर टायर्स इनसे हमें मिलते हैं तो ये इंक्रीज जो होते हैं इनका जो कंज्यूप्शन होता है यानी खपत जो होती है फॉसिल फ्यूल्स की इनका रिजल्ट ये होता है कि वो बहुत जल्दी से इनकी कमी आ जाती है इन संसाधनों की और जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये बहुत लार्ज मात्रा में पोल्यूशन फैलाते हैं तो जब इनकी डिमांड्स बढ़ती है जैसे ऑयल वगैरह की तो ये फ्यूचर में हम कमी पड़ जाती है इनकी तो इसकी जगह में हम कुछ और विकल्प स्रोत हम यूज़ कर सकते हैं ऊर्जा के जैसे कि हम इनको प्रमोटेड कर सकते हैं इनकी जगह में दूसरा कर सकते हैं ताकि कमी ना हो तो कन्वेक्शनल स्रोत जो होते हैं ऊर्जा के जैसे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर द सोलर एनर्जी विंड एनर्जी टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोगैस इस तरह की जो एनर्जी आए हम यूज़ कर सकते हैं तो आपको बता देते हैं कि सोलर एनर्जी ठीक है तो सबसे पहले हम बता देते हैं सोलर एनर्जी जो कि सौर ऊर्जा होती है इट इज़ अ मोस्ट यूनिवर्सल एंड अबंडेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी अवेलेबल अस सोलर एनर्जी कैन बी यूज फॉर कुकिंग हीटिंग लाइटिंग ऑफ स्ट्रीट एंड होम्स एंड ड्राइंग ऑफ क्रॉप्स एक्सेट्रा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कॉल्ड फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजीज अवेलेबिलिटी अवेलेबल विच कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी Most of the tropical countries are endowed with abundant sunshine, so they have a plenty of opportunity to exploit the solar energy for generating electricity. ये पूरे ब्रह्मांड में जो ये ऊर्जा होती है काफ़ी अवेलेबल रहती है और सौर ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा जो होती है वो यूज़ की जाती है खाना बनाने में गर्म करने में गलियों की लाइट जलाने में घरों में तो इस तरीके से ये यूज़ होती है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो होती है जैसे फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी कहा जाता है ये अवेलेबल होती है और इसे कन्वर्ट चेंज किया जाता है सनलाइट की डायरेक्टली जो सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और ये काफ़ी उष्णकटिबंधीय जो कंट्रियाँ होती हैं जो संपन्न होती हैं प्रचुर होती हैं सनशाइन में तो वहाँ पर इनको अनुचित यहाँ पर लाभ होता है तो ये काफ़ी इनके अवसर होते हैं जो अनुचित लाभ लोग इसका उठाना चाहते हैं सोलर एनर्जी का तो ये जो बिजली उत्पन्न करती है नेक्स्ट है विंड एनर्जी यानी कि हवा जो होती है हमारी हवा ऊर्जा जो होती है वायु ऊर्जा विंड इज़ अ रिन्यूएबल एंड पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी कंसर्न मूवमेंट ऑफ हाई वेलोसिटी विंड इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ ओवर एन एरिया हेल्प इन द जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी यानी कि जो हवा होती है हमारी ठीक है तो वो एक रिन्यूएबल है यानी कि नवनिकृत है जो कि पोल्यूशन फ्री होती है एनर्जी स्रोत और ये बार बार जो मूवमेंट करती है वेलोसिटी हवा जो होती है वो हमें डायरेक्शंस देती है हेल्प करती है जनरेट हवा को जनरेट करने में ये ऊर्जा जो होती है अब विंड मिल्स जो होती हैं वो सेटअप की जाती हैं एंड उससे भी हम जो है जनरेट करके विंड एनर्जी यूज़ करते हैं यानी कि एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं Wind energy is used for grinding food grains and drawing water from wells. In India, the largest wind farm cluster is located between Nagercoil and Madurai in Tamil Nadu. The leading producers of wind energy are Netherlands, Germany, and the UK, Denmark, USA, and Spain. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विंड एनर्जी है ठीक है तो उसे हम यूज़ करते हैं ग्राइंड फ्रूट को कोई भी ग्राइंड जो अनाज होता है उसे पीसने के लिए है ना और जो कुएं से पानी निकालने के लिए और जो
कई भारत में जो इसका बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है, नागरकोल और मादुरई में जो तमिलनाडु में है, और बहुत बड़े उत्पादक हैं यहाँ पर जो विंड जो एनर्जी है उसके, नीदरलैंड और जर्मनी, यूके, डेनमार्क, यूएसए एंड स्पेन। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर, यानी कि परमाणु ऊर्जा। न्यूक्लियर पावर इज जनरेटेड फ्रॉम यूरेनियम एंड थोरियम थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियर जो ऊर्जा का यूज़ किया जाता है वो यूरेनियम और थोरियम को यूज जनरेट करने में किया जाता है। दीज मिनरल्स रिलीज लार्ज क्वान्टिटी ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम एंड रशिया हैव लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इन इंडिया, राजस्थान एंड झारखंड हैव एनॉर्मस डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। थोरियम इज फाउंड अलॉन्ग द मोनासाइड सैंड्स ऑफ केरला। यानी कि ये जो मिनरल होते हैं, खनिज होते हैं, इन्हें रिलीज़ किया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में इन ऊर्जा को न्यूक्लियर रिएक्टर्स के द्वारा और न्यूक्लियर रिएक्टर में। और यूनाइटेड जो स्टेट होती है, यूनाइटेड किंगडम, रशिया हैव लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर, ये बहुत बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड जो है बहुत बड़ी इनॉर्मस यानी बड़े डिपॉजिशन है यूरेनियम के, तो वहाँ उनका यूरेनियम का जमाव होता है। एंड थोरियम इज़ ये हमारा पाया जाता है मोनासाइड सैंड्स ऑफ केरला में। देर आर 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, नेमली कोटा, नरारा, नरोरा, कल्पाकम, कैगा, काकरापारा, तारापुर एंड तारापुर। तो ये जो 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं जो नेमली यहाँ कोटा, नरोरा और कल्पाकम, कैंगा, कारापारा और तारापुर में पाए जाते हैं। अब जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम हीट फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। यानी कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो है वो गर्मी से प्रोड्यूस होती है, धरती के जो इंटीरियर होती है, धरती के अंदर जो गर्मी होती है उससे प्रोड्यूस की जाती है, जिसे जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज एज वी गो डीप इनटू द अर्थ्स इंटीरियर। इन वॉल्केनिक रीजन्स द हीट एनर्जी इज अवेलेबल इन हॉट स्प्रिंग्स एंड गैसेस। जियोथर्मल एनर्जी इज यूज फॉर कुकिंग एंड बाथिंग। न्यूजीलैंड कॉल्ड द लैंड ऑफ हॉट स्प्रिंग्स एंड गेसियर्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। येलोस्टोन नेशनल पार्क रीजन इज यूनाइटेड स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, फॉलोड बाय आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। इन इंडिया, जियोथर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुंगा वैली इन लद्दाख। तो यहाँ पर जो ये टेम्परेट यानी तापमान को जो इंक्रीज़ किया जाता है वो हम देख सकते हैं, तो धरती के काफ़ी डीप अंदर से किया जाता है, और ये जो ज्वालामुखी के जो क्षेत्र होते हैं वो बहुत जो गर्मी है वो एनर्जी वहाँ पर अवेलेबल होती है, हॉट स्प्रिंग्स और गैसर जो होते हैं, है ना। तो जियोथर्मिकल जो एनर्जी होती है उसे खाना बनाने या नहाने के लिए यूज़ किया जाता है। और न्यूजीलैंड में जो जैसे इस लैंड को हॉट स्प्रिंग्स एंड गैसर कहा जाता है, और वह सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर जो होता है जियोथर्मल एनर्जी का वो न्यूजीलैंड होता है। येलो स्टोन नेशनल पार्क रीजन जो है यूनाइटेड स्टेट में, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है जियोथर्मल एनर्जी का, जिसे फॉलो किया जाता है आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। भारत में जियोथर्मल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है मणिकरण हिमाचल प्रदेश और पुंगा वैली में, जो कि लद्दाख में। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है हाई टाइड्स अलॉन्ग द कोस्टल रीजन। दिस एनर्जी कैन बी जनरेट बाय द बिल्डिंग डैम्स नैरो इनलेट्स ऑफ सी। ड्यूरिंग हाई टाइड द वाटर टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल एट द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सम ऑफ द लीडिंग कंट्रीज वेयर टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस आर रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया। तो यानी कि ये टाइडल एनर्जी जो है इसका उत्पादन जो है कोस्टल रीजन्स में किया जाता है, और इसे जनरेट किया जाता है बिल्डिंग डैम्स के द्वारा जो काफ़ी कंजस्टेड होते हैं, सी इनलेट्स होते हैं, संकुचित एरियाज़ होते हैं समुद्र के वहाँ का, और इसके दौरान में हाई टाइड्स जो होते हैं, वाटर टर्न्स होते हैं, टर्बाइन इंस्टॉल किए जाते हैं डैम्स को, जहाँ बिजली पैदा की जाती है, उत्पन्न की जाती है। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ टाइडल एनर्जी का उत्पादन किया जाता है, जैसे रशिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ इन भारत में। नेक्स्ट है बायोगैस, यानी कि जैव ऊर्जा जो बोलते हैं। तो बायोगैस प्लांट यूज ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट एंड फार्म वेस्ट टू कन्वर्ट इट इनटू द
gaseous fuel called biogas. It is a mixture of methane and carbon dioxide which can be used as a fuel of cooking and lighting. It has given us organic manure for our farmland. यानी कि जो ये जैव गैस होती है, यानी ये हमें प्लांट से, ह्यूमन वेस्टेज से, एनिमल वेस्टेज से और फार्म वेस्टेज को हम चेंज कर कर ये गैसेस फ्यूल में इसको बदलते हैं, जो कि जिसे बायोगैस कहा जाता है. अब ये जो है, इस मिक्सचर होता है मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि यूज़ होता है ये फ्यूल कुकिंग, खाना बनाने में और लाइटिंग के लिए, जो हमें ऑर्गेनिक मैनुअल प्रदान करता है हमारे फार्मलैंड को. एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी सेक्शन ऑफ आर इकोनॉमी. द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो वी कैन नॉट थिंक ऑफ वेस्टिंग एनर्जी. एनर्जी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट रिक्वायर्ड एंड द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स. Every unit of energy is very important, hence conservation of energy is the need of the hour. यानी जो ऊर्जा होती है वो ज़रूरी, हर सेक्शंस के लिए ज़रूरी होती है हमारी आर्थिक जीवन के लिए. तो ये कंजप्शन है जहाँ पर हमें एनर्जी दिन पर दिन इनका यूज़ जो है बढ़ता जा रहा है, तो हम एनर्जी वेस्टिंग के बारे में सोचते ही नहीं हैं. और हमें सोचना चाहिए, एनर्जी को सेव करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, और इसके बदले में जो अल्टरनेटिव यानी और विकल्प होते हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए. यदि हमें ज़रूरी है तो हमें, हम तब लाइट ऑन करके बैठ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है तो हम स्विच ऑफ कर सकते हैं. अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं जो कि हम प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ करते हैं, तो हर एक यूनिट में आप देखेंगे जो ऊर्जा है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमें अपनी ऊर्जा का हर एक घंटे इसका बचाव करना चाहिए. तो हमें ज़रूरत है कि हर एक घंटे हम एनर्जी को बचाएं.